दुनिया की छोटी अर्थव्यवस्था हो या बड़ी, रोजगार का सवाल हो या इनोवेशन इन्वेंशन का सवाल हो, व्यापारी वर्ग का योगदान हमेशा सबसे ज्यादा रहा है। फिर भी जब भी क्राइसिस आता है इन्हें भुला दिया जाता है। सारे के सारे तबकों का ख्याल रखा जाता है, बस व्यापारी वर्ग का नहीं। गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्मार्टफोन्स हो, गाड़ियां हो नए नए ढंग की, सब में व्यापारी वर्ग का योगदान है। अरे व्यापार की वजह से इतनी गाड़ियां आई, इतनी टेक्नोलॉजी आई, व्यापारी दुनिया चलाते हैं पूरी, फिर भी इनका ख्याल नहीं रखा जाता। कहीं आप इस चक्कर में हो कि आपके घर कोई आएगा, कोई सरकार आपकी मदद करने वाली है, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मुझे खेद है। ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है। मैं मानता हूं बहुत खर्चे हैं, बहुत ज्यादा खर्चे हैं और इनकमिंग है नहीं। बिल जमा कराने हैं, सैलरीज देनी है, जीएसटी शायद पेंडिंग होगा, लेकिन इनकमिंग है नहीं। 6 सुझाव यहां देना चाहता हूं, अगर समझ में आए तो कृपया सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। हमें मिलकर अपनी मदद तो करनी ही है, पूरे व्यापार वर्ग की मदद करनी है। पहला सुझाव, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के जहर से दूर रहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक इंसान घर से सेब खा के निकला। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऐसा कहा जाता है। बहुत लाइट फील कर रहा था, हेल्दी फील कर रहा था। रास्ते में उसे 3-4 लोग मिले। एक कहता, भाई मेरा पेट दर्द हो रहा है, क्यों? मैंने सेब खाया था। दूसरा कहता, मेरा जी घबरा रहा है, क्यों? मैंने सेब खाया था। तीसरा कहता है, मुझको उल्टी फील हो रही है, क्यों? मैंने सेब खाया था। कुछ ना होते हुए भी इस इंसान को भी पेट दर्द फील होने लग जाएगा, क्यों? माहौल। अब इस सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल के चक्कर में माहौल ऐसा बन चुका है फियर का, पैनिक का। लोग बहस कर रहे हैं, अपने अपने पॉलिटिशियंस को डिफेंड कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग अपना दिमाग खराब कर रहा है, अपनी सेहत खराब कर रहा है। भाई कुछ नहीं मिलेगा, एट द एंड ऑफ द डे हमारा समय खराब हो रहा है। यही समय हमें लगाना है सही दिशा में, दिमाग लगाना है और बेटर में अपना बिजनेस कैसे कर सकता हूं। तो न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के जहर से जितना ज्यादा हो सके दूर रहिए। दूसरा सुझाव, अकाउंट्स मेंटेन करने की ये सबसे ज्यादा सही समय है। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए। कितना आपने लोगों से लेना है, कितना देना है, कितना बैंक में पैसे पड़े हैं, कितना आपके पास स्टॉक है। अरे बहुत लंबी लड़ाई है भाई, तभी तो लड़ेंगे जब हमें पता होगा हमारे पास अभी कितने हथियार बाकी हैं। अकाउंट इमीडिएटली तुरंत मेंटेन कीजिए। तीसरा, अपने एम्प्लॉयज से बात कीजिए, उनके साथ नेगोशिएशन कीजिए। समस्या हमारे साथ है तो उनके साथ भी है। उनके साथ सैलरी नेगोशिएशन कीजिए और दिमाग लगाइए कि जहां भी वो हैं कैसे उनका छोटे से छोटा योगदान भी आ सकता है। इस समय छोटे से छोटा योगदान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अपने एम्प्लॉय से तुरंत बात कीजिए। चौथा, अपने टॉप 10 कस्टमर्स की लिस्ट बनाइए। भाई आपके टॉप 10 कस्टमर्स हैं, उनको पैनिक या फियर से रिलेटेड कुछ मत भेजिए, पॉजिटिव न्यूज भेजिए कि कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, कैसे दुनिया दोबारा आएगी, कैसे हर क्राइसिस के बाद दुनिया वापस उभरती है, हर केओस के बाद कैसे ऑर्डर आता है। टॉप 10 क्लाइंट की लिस्ट बनाइए और उनके टच में रहिए, बहुत जरूरी है। पांचवा, नेसेसिटी बिगेट्स इन्वेंशन। दोस्तों आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इतिहास से पढ़ के देख लीजिए, जब जब इंसान के सिर पे आई है ना, तब तब इंसान जागा है, और ये जागने का समय है। ये करो या मरो वाली सिचुएशन है। इस समय घबराने का समय नहीं है, पैनिक होने का समय नहीं है, दिमाग लगाने का समय है। जब कभी भी दुनिया में क्राइसिस आए हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कंपनीज उन क्राइसिस से निकलकर बहुत बड़ी जरूर बनी है, क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया, वो पैनिक नहीं हुए, उन्होंने संघर्ष किया और ये सोचा कि इस क्राइसिस का कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकता हूं। और मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं, बहुत सारे व्यापारियों के लिए ये क्राइसिस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे और लेके आ भी चुके हैं। छठा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनोवेशन इन्वेंशन एंड ट्रेंड स्टैकिंग। दोस्तों इनोवेशन क्या होता है? प्रेजेंट बिजनेस मॉडल को और बेटर बनाना, उसे कहते हैं इनोवेशन। इन्वेंशन, पूर्ण रूप से नया आइडिया। इस समय सबसे ज्यादा आपको, मुझे, हम सभी को इनोवेशन की जरूरत है। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसको और बेटर ढंग से कैसे किया जा सकता है, इस सिचुएशन में भी अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जा सकता है। ट्रेंड स्टैकिंग, आपको याद होगा पहले जमाना था टैक्सीज का, ये बड़े बड़े स्टिकर लगे होते थे हर टैक्सी पे। तब आया उबर, उबर आया ऐप के साथ, टैक्सीज की जरूरत नहीं पड़ी, एक ऐप से आप उबर बुक करवा लेते हो।
आपको याद होगा हम पहले वीडियो कैसेट लेके आते थे, बॉलीवुड की मूवीज, हॉलीवुड की मूवीज। वीडियो कैसेट के बाद सीडी का जमाना आया, सीडी के बाद नेटफ्लिक्स आ गया। और ये ट्रेंड हमेशा चेंज होते रहेंगे और ये बिल्कुल सही समय है बदलाव का, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। डू और डाई सिचुएशन है। दिमाग लगाइए कि प्रेजेंट मॉडल, आपका एग्जिस्टिंग मॉडल में क्या आप इनोवेशन ला सकते हैं। अगर आपका साउंड का काम है, दोस्तों मेरी एक बिजनेसमैन से अभी दो दिन पहले बात हो रही थी, उनका साउंड का काम है और वो रो रहे थे, मतलब परेशान हो रहे थे, क्या करूं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारा दिन खाली बैठता हूं, अब कोई चारा नहीं है, वेट करते हैं। अरे इंतजार करने का समय नहीं है, कुछ करने का समय है। मैंने उन्हें एक छोटा सा सुझाव दिया। मैंने कहा भाई आपके पास सारे इक्विपमेंट है, आप यूट्यूब ट्यूटोरियल बनाइए ना, लोगों की मदद कीजिए, उन्हें पढ़ाइए कि इसको कैसे यूज करते हैं, मिक्सर को कैसे यूज करते हैं, ये कैसे यूज कर सकते हैं, वो कैसे यूज कर सकते हैं। कहते इसका क्या फायदा। मैंने कहा भाई हर जगह ब्रांड का नाम पहुंच रहा है, हर जगह ब्रांड का नाम पहुंच रहा है। फ्यूचर में जब कभी भी किसी को आप जरूरत होगी, आपका नाम उनके दिमाग में होगा। यार वो बंदा, उसने ट्यूटोरियल्स बनाए थे, उसका बहुत बड़ा साउंड का काम लगता है। फिर मैंने उन्हें यह भी बताया कि भाई ऑनलाइन पार्टी स्टार्ट करो, दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ समय तो लोग पार्टी कर रहने वाले लॉकडाउन के बाद भी, तो दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है। आपका जो मर्जी बिजनेस मॉडल है, आपको दिमाग लगाना है उसको बेटर कैसे कर सकता हूं। आपका पंखे का काम है, क्या मैं कोई ऐसा पंखा बना सकता हूं जो छोटा सा पोर्टेबल सा पंखा हो, जिसमें स्पीकर भी लगा और पेनड्राइव भी लग जाए, गाने भी लोग सुन सके। अगर आपका रेस्टोरेंट का काम है, क्लाउड किचन के बारे में सोचिए, डिलीवरी के बारे में सोचिए, जो कोई भी काम है ये दिमाग लगाइए, अमेजोन से, शॉपिफाई से, फ्लिपकार्ट से कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अब आप कहेंगे मेरे को तो अमेजोन आता ही नहीं, अरे 36 वीडियो है यूट्यूब पे कि अमेजोन पे प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, शॉपिफाई पे कैसे बेचने हैं, फ्लिपकार्ट कैसे बेचने हैं। ये इनोवेशन का सही समय है। अगर आपने ये समय रोते हुए निकाल दिया ना, परेशान होकर निकाल दिया, या इस इंतजार में निकाल दिया कि मेरी कोई सरकार मदद करने आने वाली है, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये समय दोस्तों इनोवेशन का है, ये समय नेक्स्ट ट्रेंड का है, ये समय आविष्कार का है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये समय कुछ कर दिखाने का है। व्यापारी वर्ग जिनका इतना ज्यादा योगदान रहा हमेशा से ही दुनिया में, इनको निग्लेक्ट किया जाता है, फिर भी इस वर्ग ने हमेशा लड़ाई करी है और हमेशा सफलता ली है, इस बार भी लेंगे। ये 6 सुझाव जरूर मेरे याद रखना। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सबके साथ शेयर करना।